सो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक तो है एडमिन पैनल जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है, बेसिकली सारी पोस्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। एक है यहाँ पर ये ब्लॉग है, सिंपल यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई दे रही है। आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली रियल टाइम रिलेट करने वाले हैं पोस्ट को। लाइक मैं यहाँ पर ये जो आपको वॉच वाली दिखाई दे रही है यहाँ पर पोस्ट, अगर मैं यहाँ पर ये वाली वॉच जो है यहाँ पर ये वाली ये रही, ठीक है, ये सेम एज इट इज इसका टाइटल भी है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा तो ये डायरेक्ट यहाँ से तुरंत की तुरंत डिलीट होनी हुई होती हुई दिखाई देनी चाहिए विदाउट पेज रेफरेंसिंग, ठीक है। तो रियल टाइम पोस्ट डिलीट करने वाले यूजिंग सॉकेट, तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टेप क्या करना है आपको, जहां पर ये आपका डिलीट चल रहा है, ठीक है, वहां पर आप जाइए जहां पर आपकी एजेक्स कॉल हो रही है। तो हम चलते हैं वहीं पर, तो व्यू के अंदर एंड देन एडमिन, और आपका है डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपने ये कोड किया हुआ है, ठीक है, जहां पर आपने डिलीट पोस्ट पर एक क्या किया हुआ है, एजेक्स कॉल कराई हुई है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपने डिलीट पोस्ट राउट भी हिट कराया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करोगे, आपके पास पता है कि ट्रू या फॉल्स आएगा, तो हम ट्रू वाली केस में चेक करेंगे कि अगर आपकी पोस्ट डिलीट होती है तो हम यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, अपनी सॉकेट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सॉकेट इज इक्वल टू आयो, ठीक है। अब देखिए ये आयो कहाँ से आया, आपको इसके लिए लेक्चर जरूरी है कि आपने देखे हुए हमारे लास्ट लेक्चर्स रियल टाइम वाले, आपको पता चल जाएगा। अब जब आपने सॉकेट का यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर लिया, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सॉकेट में एमिट कर दोगे, सॉकेट डॉट एमिट, एंड देन क्या करने वाले हो कि कौन सी आईडी डिलीट हुई है, ठीक है, मतलब कौन सी पोस्ट डिलीट हुई है। तो मैं यहाँ पर एक यहाँ पर बता देता हूँ कि ये हमारे एमिट का नेम है, लाइक पोस्ट डिलीट पोस्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमें पोस्ट आईडी बतानी होगी जो पोस्ट डिलीट हुई है, ठीक है। अब आपको पता ही है मैं पोस्ट आईडी यहाँ से ले पा रहा हूँ जो कि हमारे एट्रीब्यूट से आ रही है, पोस्ट आईडी कौन सी डिलीट होने जा रही है, तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। ये मैंने बस इतना काम कर दिया, ये आपको बस इतना ही काम करना है अपनी एजेक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जो कि है बेसिकली इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमें वर्किंग करनी होगी, क्योंकि आपको पता है जब भी हमें किसी सॉकेट को एमिट कराते हैं तो हमें लिसन करना होगा अपने सर्वर पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे अंदर से इसे हटा देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को ब्रॉडकास्ट चलाने होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो नेम देना है जो कि वहां पर क्लाइंट साइड पर उसे एमिट किया है, ठीक है, लाइक उसका नेम है डिलीट पोस्ट, आई थिंक मीनिंग मिस्टेक ना होनी चाहिए बस, ठीक है। तो डिलीट पोस्ट, ठीक है, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैंने पास कर दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि हमारे पास आ रही है पोस्ट आईडी, ठीक है। तो पोस्ट आईडी करके हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, एज अ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आयो डॉट एमिट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे बेसिकली सॉकेट को ब्रॉडकास्ट एमिट करेंगे, मतलब हर जगह जहाँ पर लिसन कर पाए इजिली। तो लाइक हम सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एमिट का कुछ नेम रख देता हूँ, लाइक मैंने रख दिया डिलीट पोस्ट, सॉरी डिलीट पोस्ट ही रखूंगा, ये बेसिकली पोस्ट आईडी कहाँ से आ गया, ठीक है। तो चलिए मैं कॉमा लगाकर पोस्ट आईडी तो मेरे को पास करना ही होगा, ठीक है। तो डिलीट पोस्ट मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी नेम ले सकते हो, जो भी आपको मनपसंद लगता है, फिलहाल में मैं डिलीट पोस्ट ही रख के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सॉकेट को ब्रॉडकास्ट कर दिया और एमिट कर दिया उसके अंदर कि क्या आपकी आईडी डिलीट हुई है, ठीक है। अब इसको आपको लिसन करना है जहां पर भी आपको शो कराना है कि क्या डेटा डिलीट हुआ है। तो अब मेरा यहाँ पर ब्लॉग डॉट ई जी एस है, ठीक है, जहां पर मेरी सारी की सारी ब्लॉग जो है शो हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पर ये यह दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली मेरा एक ब्लॉग पेज है, ठीक है, मतलब ब्लॉग डॉट ई जी एस में ये सारा शो हो रहा है। सबसे पहले तो गाइज मैं क्या करूंगा, ये जो डिव है ना, इसको कुछ आईडी दे करके चलता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर वो आईडी रिमूव करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आईडी इज इक्वल टू पोस्ट अंडर हाइफन, एंड देन यहाँ पर मैं पोस्ट आईडी दे करके चलूंगा, जिससे कि हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें किसको रिमूव करना है रियल टाइम पर, ठीक है। तो आपको पता है पोस्ट आई करके लूप चल रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, पोस्ट आई डॉट अंडरस्कोर आईडी करके मैंने यहाँ पर जो है बता दिया कि ये मेरी आईडी होने वाली है सभी पोस्ट के लिए। आपको पता है यूनिक आईडी चलने वाली है, ठीक है, तो अब आप जान ही चुके हो। अब मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट के नीचे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि एक हमने सॉकेट नाम का एक वेरिएबल तो बना ही रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसको यहाँ पर गेट करेंगे जो कि हमारे सर्वर पर एमिट की हुई है। तो यहाँ पर ऑन एंड देन कौन सा हमने यहाँ पर नेम रखा है उसका, तो वो हमने रखा हुआ है, नेम तो सभी जगह सेम ही रखा है हमने, डिलीट पोस्ट, ठीक है। तो जो नेम यहाँ रखा है वही हम यहाँ पर पास करेंगे, डॉट ऑन, एंड देन यहाँ पर फंक्शन के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर एज अ पैरामीटर आपको वो आईडी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इतना काम करना है। अब यहाँ पर आपको करना है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट
कैट एलिमेंट वाई आईडी एंड देन जो आपको पोस्ट आईडी आ रही है उसको हम रिमूव कराने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पता है उसके अंदर हमने पोस्ट हाइफन लगाया हुआ है एंड देन कंकेटिनेट कर देंगे पोस्ट आईडी को एंड देन उसको हम कर देंगे डायरेक्ट रिमूव। ठीक है, तो अब गाइस हमारी बारी है टेस्टिंग। ठीक है, एक बार हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या हमारा जो कोड है परफेक्ट वर्क करेगा। एक बार मैं सभी जगह सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारी बारी है टेस्टिंग की। तो सबसे पहले मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ, इसे भी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं गाइस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इसको हमने रिफ्रेश कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं admin@gmail.com करके लॉग इन हो जाता हूँ सबसे पहले एंड देन हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर ही आ चुका। अब मैं यहाँ से ये देख पा रही हूँ ये जो वॉच वाला है ना, ये वॉच वाला एक बार मैं पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ संतुष्टि के लिए। ठीक है, ये जो वॉच वाला है इसका टाइटल है सॉकेट टेस्ट विदाउट इमेज। ठीक है, अभी ये रिमूव करने वाले हैं हम। ठीक है, मैं डिलीट पर क्लिक करने वाला हूँ, तो डिलीट पर मैंने क्लिक किया, पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी देखिए क्या है, अलर्ट आ गया, इसलिए यहाँ पर आपकी आई सॉकेट जो है अभी रुक चुकी है। अब जैसे मैं ओके कर दूंगा रिमूव, देख सकते हो गाइस आपका यहाँ से जो है गायब हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुकी है। लाइक मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी और को डिलीट करवाता हूँ, लाइक टेस्ट पोस्ट को इमेज रिमूव करवाता हूँ यहाँ से, डिलीट पोस्ट की मैंने एंड देन यहाँ पर देख सकते हो गाइस तुरंत के तुरंत रिमूव होते जा रहे हैं आपके पोस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पर सॉकेट का यूज करके रियल टाइम पोस्ट को डिलीट करना सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, सो थैंक यू गाइस।